डीडी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 30 दिन का 15वां दिन का क्लास है। आज 3 अगस्त है। तो चलिए इस क्लास में आज हम छोटी संख्या के जो लस से निकलता है, कल जो हमने सीखा था उसके दूसरे पार्ट पे हम चलते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, रमा, मोना और स्नेहा एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से, चल लीजिए ये एक ही बिंदु है, एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। यहां से तीनों एक साथ दौड़ रहे हैं और तथा क्रमशः, देखिए इन तीनों की स्पीड अलग अलग है, एक 18 सेकंड में, दूसरा 24 सेकंड में, तीसरा 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। तो वो तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, मतलब तीनों अलग अलग स्पीड में कर रहे हैं, एक 18 सेकंड में एक चक्कर लगा देता है, दूसरा 24 सेकंड में एक चक्कर लगा देता है और तीसरा 32 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो ये सब तीनों चक्कर लगा ही रहे हैं, लेकिन देखिए एक वक्त आएगा जब वो तीनों एक साथ यहां पे आके मिलेंगे। अब पूछा जा रहा है ये कब होगा, तो देखिए यही लसा का कमाल है, क्योंकि ये 18, 24 और 32 एक अगर एक वैसी संख्या से कटे, एक ऐसी संख्या हो जिससे ये तीनों पूरा का पूरा अगर भागा देते हैं, जैसे कोई भी संख्या पकड़ लीजिए, 288 हम जो निकाला हुआ है, तो मतलब 288 एकमात्र एक संख्या होगा जिससे आप 18 से भी भागा देंगे तो कट जाएगा, 24 से भी भागा देंगे तो कट जाएगा, 32 से भागा देंगे तो कट जाएगा। और वही एक समय होगा जब तीनों जो एक घूम रहे हैं यहां पे एक साथ फिर मिलेंगे। तो यह घटना जो है हर 288 सेकंड के बाद बाद होता हुआ रहेगा। तो देखिए ये 288 सेकंड को निकालने के लिए हमने तो लॉसा का निकाला है, हमने बोला है कि पहले के हमने वीडियो में बोला है कि एलसीएम का 99% सवाल जो है बिना आप कागज कलम लगाए कर सकते हैं। चलिए तो उसे हम समझ लेते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। देखिए जो हम विभाज्यता का रूल बोलते हैं, जैसे 9 × 18 होता है, तो इसके अंदर में क्या छुपा है, 9 छुपा है। तो इसका मतलब कि लस के अंदर भी 9 होगा। और 9 का विभाज्यता का रूल क्या है कि जब जो तीन संख्या है उसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद वो अगर 9 का गुणक है, मतलब 9 से कटता है, तो फिर वो संख्या होगा। तो चलिए हम देखें, 9 × 6 = 15, 15 × 1 = 16, ये तो 9 से नहीं कटता है तो ये इसका उत्तर हो नहीं सकता है। दूसरा है 228, तो 8 × 10 × 12, ये भी 9 से नहीं कटता है, क्योंकि 9 × 9 = 9, 9 × 2 = 18, 12 तो आता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। निर्धारित नहीं किया जा सकता, यस निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। ये हमने क्या किया, ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल किया जिसमें समय कुछ भी नहीं लगा। अब चलिए हम इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो मैं कि देखो मैं दोनों विधि को साथ में लेके चल रहा हूं, जो आपको सही लगे उसे। अब देखो कि 18 का हम कैसे लसन निकालते हैं, लसन निकालने के अभी इस टेक्निक को सीख लीजिए तो फिर क्या होगा कि बड़ी जल्दी आप लसन निकाल सकते हैं। तो जैसे पहले 18 लीजिए, तो 18 को आप तोड़िएगा तो क्या होगा, 3 × 6 और 6 × 3 = 18। तो देखिए 18 को हमने किया जो इसको एक अलग कलर में लिख दिया। अब देखिए 24 है, अब 24 में देखिए 4 × 6 = 24, तो 3 और 2 तो मिल गया, 6 तो मिल गया, लेकिन और 4 चाहिए, नहीं तो ये 24 हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए देखिए हमने क्या क्या, 3 × 6 को 4 से गुना करना है, 4 का मतलब 2 × 4 होता है, तो और 2 हमने 2 × 2 लिख दिया, तो चलिए अब 24 भी कट गया। अब आते हैं 32, 32 में देखो कितना होता है, जरा आप उंगली पे गिनिए, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 के अंदर में 5 2 होते हैं। अब देखिए यहां पे हमने 1 2 लिया है और ये 2 हुआ, तो 3 2 है, अभी भी कमी कितने 2 की है, 2 2 की है, तो हमने 2 और 2 हमने कर दिया। तो चलिए ये जो है देखिए एलसीएम निकल गया। तो ये एलसीएम जो हम जो करते हैं ना, जैसे 18, 24, 32 को लिख के भाग विधि में जो करते हैं, देखो ये भाग विधि है, लेकिन अगर इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया,
तो फिर वो बड़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि ऐसे करके आप करेंगे, करने के बाद इसको कटते जाएंगे, जैसे 2 से दिया आपने, 9 दूनी 18 हुआ, फिर आपका 12 दूनी 24 हुआ, फिर आपका 16 दूनी 32 हुआ, ठीक है ना, फिर आप 2 से देते हैं। तो मैं एक दिखाना चाहता हूं कि ये कितना वक्त लगता है, 9 से गया, फिर आपका 6 दूनी 12 हुआ, फिर आपका 8 दूनी 16 हुआ। अब देखिए, 2 गुना 2 गुना 9 गुना 6 गुना 8 हुआ, ठीक है ना, ये और 2 से जाएगा, सॉरी एक बार और जोर से जाएगा, तो 2 हुआ, ये 9 हुआ, ठीक है ना, ये 3 दूनी 6 हुआ, ये 4 दूनी 8 हुआ। अब देखिए यहां पे आप कीजिए, 3 चौके 12, 12 नवा कितना होता है 108, 108 दूनी 216, 216 को अब आप 4 से गुना करिएगा, क्या, ओ सॉरी सॉरी, एक जार और जाएगा ना, ये 3 से फिर जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3 और ये आपका 4 हुआ। तो 3 तिहाई 9, 9 चौके 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 दूनी 288। देखो ये जो करने में और ये करने में क्या ये झटपट निकल जाता है, बस यही है आपको ये लिखने के वक्त में जो वक्त लगता है ये थोड़ा सा मेंटली सोच के करते हैं तो फटाफट हो जाता है। तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 दूनी 288। तो देखिए आपके पास ये सिस्टम है, इससे पहले ये हो जाता है, और सबसे पहले फटाके से आपका ये हो जाता है, आपने सीधा क्या देखा कि 18 में 9 है, तो मतलब जो भी संख्या है ये 9 से कटना चाहिए, अगर नहीं कटा तो फिर मतलब है इनमें से कोई नहीं, देखिए आंसर भी 288 आया। अब ये तीनों मैंने इसलिए दिखाया कि मर्जी आपकी है कि आप कौन सा लेंगे, लेकिन जब भी आप कोई चीज को चॉइस करते हैं दिमाग में एक रखिए, आपका जो निर्धारित चीज है वो हर वक्त एक चीज को दिमाग में रख के करना होगा कि किसी भी गणित को करने के लिए 20 से 25 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 5 से 10 सेकंड तो क्वेश्चन को पढ़ने में ही चला जाता है, मैंने पढ़ के आप क्या करेंगे ये सोचने में समझ में चला जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब आता है, 3 विभिन्न चौराहों पर आगमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48, 72 और 108 के बाद जलती है, यदि वो एक साथ 8:20 बदली गई हो तो फिर तीनों एक साथ कितने बजे फिर बदलेंगे, मतलब ये तीनों लाइट है, ये तीनों लाइट आपको, ये जो लाइट है समझ लीजिए कि सिग्नल जिसको बोलते हैं, ये हर 48 सेकंड के बाद लाल हो रही है, यहां की जो सिग्नल है ये हर 72 सेकंड के बाद लाल हो रही है, ये जो सिग्नल है हर 108 सेकंड के बाद हो रही है, तो ये भी वही स्टेडियम के अंदर घूमने वाला है। यहां पूछा जा रहा है कितने देर के बाद तीनों जो है एक साथ लाल हो जाएगा, नहीं तो 48 सेकंड वाला अभी लाल हुआ तो 72 सेकंड वाला नहीं हो रहा है, क्या है कि 48 सेकंड में तो उसको लाल होना नहीं है, तो 48 के बाद और 24 सेकंड के बाद ये लाल होगा, और जो यहां से जो है ये जो है इसे लाल होने में और 36 सेकंड लगेंगे, तो मतलब ये तीनों कभी एक साथ नहीं हो रहे हैं। तो आपको पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी अवस्था है जब वो तीनों एक साथ होंगे, तो हमने बोला ही क्या इसका एलसीएम निकाला जाता है, तो देखो एलसीएम जब निकाला ये 432 है, 432 वो संख्या है, 432 वो सेकंड है जब ये तीनों बत्तियां जो है फिर से एक बार एक साथ लाल हो जाएगी, और इसको निकालने की विधि क्या है, एलसीएम है। अब चलिए एलसीएम को निकालते हैं, 48 को पहले हम तोड़ते हैं, किसमें तोड़ते हैं, अभाज्य संख्या में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, देखो ये टूट गया। अब देखो 72 आता है, 72 का मतलब क्या होता है, 24 तिया 72, तो फिर हम करते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, अब देखो एक 3 चाहिए, अभी तो ये लाल ही मैंने लिखा है तो मतलब एक 3 मेरे को और डालना है, तो 72 हो गया। अब देखो 108 है तो हम क्या करते हैं, 12 नवा 108 है तो हम ऐसे करते हैं 3 दूनी 6, ठीक है ना, 6 दूनी 12, अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 तो ये मिल गया मेरे को, ठीक है ना, 12 के साथ क्या होगा, 12 नवा 108, तो 3 यहां मिला, 1 3 और चाहिए तो फिर 1 3 और हमने डाल दिया। अब इसको जब गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48,
48 तिया क्या होता है, 40 तिया 120 और 48, अच्छा 120 और 3 अटे 24, मतलब हुआ 148, 148 तिया होता है, सॉरी गलती हो गया, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह तिया 48, 48 तिया है तो मतलब 40 तिया 120, 3 अटे 24, 144, 144 को जब हम तीन से गुणा करते हैं तो होगा 432, क्यों, चार तिया 12 का दो हाथ में रहा एक, 14 तिया 42 और एक 43, 432। अब जब 432 जो ये क्या मिला मेरे को, ये सेकंड मिला, अब इस सेकंड को मेरे को मिनट में करना है तो हमें फिर क्या करना होगा, 432 को हमें आप सीधा सीधा क्या कीजिए, इसे आप 60 से भागा दे दीजिए, तो जब 60 से भागा दे रहे हैं तो यहां काटने की कोशिश ना करें, वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, 6 × 7 = 42, ठीक है ना, तो 420 हो गया, संख्या थोड़ा सा गड़बड़ है, 420 नहीं होना चाहिए, तो फिर ये 12 आ गया, तो फिर ये क्या आ गया, ये 7 मिनट आ गया, और ये अवशेष जो बचा, ये अवशेष सेकंड में बचेगा, तो ये सेकंड हो गया, तो 7 मिनट 12 सेकंड। तो फिर हमने ये समझ लिया, ये तीनों बत्तियां जो है वो एक साथ कब जलेगी, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद। तो अब देखो 7 मिनट 8:20 था, इसमें अगर मैं 7 मिनट जोड़ता हूं तो 27 होता है, और 12 सेकंड मतलब 8:27 12 सेकंड, यही इसका आंसर है। तो आशा करता हूं कि यह भी आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा वक्त ये लेता है, लेकिन एलसीएम को अगर इस तरह से आप निकालते हैं तो कुछ तो समय जरूर कम हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोलता है कि 6 घंटे हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा बना दिया, एक साथ बजना आरंभ हुई, यह यदि यह घंटियां 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के बाद अंतराल में बचेंगे तो 30 मिनट में कितना होगा। देखो मैंने एलसीएम को यहां तो निकाला है, लेकिन यार 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं और तब तक पढ़ते हैं कि जब तक ये सारी संख्याएं नहीं कट जाती तो वो फटाफट हो जाता है। तो देखो पहला जो है हम क्या करते हैं, 12 × 2 = 24, उस 10 से नहीं कटेगा, 12 × 3 = 36, 10 से नहीं कटेगा, 12 × 5 = 60, हाँ 10 से कटेगा। अब देखो 10 चुकी है, एक सुनना तो होना ही होगा उसके लास्ट में, तो फिर 60 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 60 × 120। अब 60 × 120 में देखो 2 = 120, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, यहाँ की 15 × 120 होता है, 15 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, तो एलसीएम 120। ये अगर मुझमानी कर सकते हैं तो ये आपको करने की जरूरत नहीं होता है, और ये कब पॉसिबल है, जब 12, 13, 14 का होता है, जिसका टेबल आपको पता है। तो देखो 120 सेकंड हुआ ना, ये क्या है, 120 सेकंड था। अब ये 120 सेकंड को अगर आप 60 से भागा देते हो तो क्या होता है, आपको 2 मिनट होता है। अब आप क्या करते हो, कितनी बार बजेगी, इसका मतलब क्या है, हर 2 मिनट के बाद ये 6 भी जो बेल है एक साथ बजते हैं। ऐसे तो देखो ये 2 सेकंड के बाद बज रही है, ये 4 सेकंड के बाद, ये 6 सेकंड के बाद, लेकिन एक साथ कब बजेगी, तो वो हर 2 मिनट पे बजेगी। तो हमने 30 को 2 से भाग दिया तो क्या हो गया, 15 हो गया। फिर भैया हमने एक क्या जोड़ा, देखो इसने बोला था कि 6 घंटी, सॉरी ये घंटे नहीं है, घंटी है, एक साथ बजना आरंभ हुआ, पहली बार एक साथ बजा, उसके बाद से जो है, तो मतलब क्या है, देखो यहां से हम पकड़ते हैं, यहां से पहली बार जब ये बजा, ठीक है ना, उसके बाद से हम ये 30 मिनट है कि पूछ रहा है, तो कहने का मतलब है कि मेरे को जो है यहां तक की तो कहानी पता है, जिसको हमने 30 से भागा के देके निकाल दिया, लेकिन यहां की कहानी पता नहीं है जो एक बार बजा था, इसलिए इस एक को यहां जोड़ना पड़ा, इसके लिए 16 मिनट होता है, 15 मिनट नहीं, और थैंक्स गॉड इसमें 15 मिनट है भी नहीं। लेकिन कुछ लोग गलती से इसको अगर सही नहीं जानते हैं, इनमें से कोई नहीं करके चले जाते हैं, जी नहीं, अगर आपको पहले बोलता है कि घंटी पहले एक बार बजी उसके बाद पूछता है तो एक आपको जोड़ना है। अगर इसने नहीं बोला होता कि एक साथ बजी, जो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में सबको एक साथ होना है, स्टार्टिंग पॉइंट में सबको एक साथ बजना है, तभी आप किसी चीज के अंतराल को निकाल सकते हैं। तो सिंपली बात है, ऐसे में आपको एक जोड़ना पड़ता है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
वो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतया विभक्त हो। देखो मैं अगर ऑप्शन से करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं आपको बताता हूं, फिर आपको रेगुलर मेथड भी बताता हूं। तो देखिए पहला जो है, देखो किसी चीज को 60 या 50 से गुणा कर लो, या कोई भी चीज है जिसके बाद सुनना होगा तो आप उसको गुणा करो, उसका लसन निकालो, उसमें भी जीरो होना जरूरी है। ठीक है, तो फटाफट हम देखते हैं कि हमारे पास जितनी संख्या है उसमें 11 भी घटाने के लिए बोला है, तो 11 घटाने के बाद कौन कौन संख्या से सुनना हो सकता है। तो देखो 2 से अगर 1 घटाएंगे हम, अगर 11 घटाना है तो 2 से 1 घट के तो 1 आ ही जाएगा, तो ये हो नहीं सकता है क्योंकि हमें 0 मिलना है। अगर हम 49 से 11 घटाते हैं तो भी ये नहीं होगा, क्योंकि 0 नहीं हो सकता है। हमें देखो यहां से 1 अगर घटाते हैं तो मुझे 0 मिलता है, इसी तरह अगर यहां से 1 घटाता हूं तो 0 मिलता है। और हमने समझ लिया है कि एलसीएम जो होगा, चूंकि यहां 60 है, इसके लिए क्या हर हालत में इसमें आपका सुनना लास्ट में होगा ही। दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको आप 20 से गुना करोगे या 30 से गुना करोगे या 50 से, मतलब जो जिससे भी गुना कर रहे हो आखिरी में सुनना है, तो गुणनफल में सुनना होना ही है आखिरी में, तो इसके लिए इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हम समझ गए कि 3371 है या 3381 है। अब बोलता है कि 11 घटाने पर पूर्णतया विभक्त हो जाता है, तो चलिए हम इसको घटा देते हैं। देखिए मैं ऑप्शन मेथड की बात करता हूं, तो ये 3360 हो गया और ये क्या हो गया 3370 हो गया। जिस चीज को मैंने यहां पे लिखा हुआ है, अब चूंकि हम भागा दे रहे हैं तो हम देखो इसमें 15 में क्या है भैया, 15 में 3 है, 3 × 15, 60 में भी 3 है, तो मतलब जो संख्या मेरा रिजल्ट में निकलेगा वो भी 3 से भागा जाना चाहिए। तो हम चलिए हम इस संख्याओं को जोड़ देते हैं, 6, 3, 9 और 3, 12, तो ये 3 से कटता है, मतलब ये इसका आंसर है। और अगर हम इसको करते हैं तो 7, 3, 10, 3, 13, 13 का भी 3 से नहीं करता है, तो ये आंसर नहीं है। तो मेरे को पता चल गया 3360 जो है आंसर है। अब देखिए इसको एलसीएम मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए 14 है, पहले 2 × 7 लिख दिया हमने 14, फिर बोलता है 15 है, 15 में देखो 3 और 5 होता है, इधर है नहीं, तो हमने 15 भी लिख दिया, 3 × 5। अब 21 बोलता है, देखो 21 का 7 और 3 तो है, तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। अब बोलता है 32 बोलता है, 32 में 5, 2 होना चाहिए, केवल मेरे पास 1, 2 है, ठीक है ना, तो फिर हमने 4, 2 और बैठा दिया। 60 की जब बात करता है तो देखो 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60, मतलब 60 के सारे चीज इसके अंदर में है, तो बस ये एलसीएम हो गया। अब इसे गुणा करते हैं, 7 × 14, 14 × 5 = 70, 70 × 3 = 210, 210 गुना 2 420, 420 गुना 2 840, 840 गुना 1680, 1680 गुना 2 मतलब 3360। तो मतलब है 3360 में अगर हम 11 जोड़ देंगे, क्योंकि 11 घटाने पर होता है, तो यहाँ 11 हमें जोड़ना है, तो ये आंसर आता है 3371। तो हमने दोनों विधि में करके देखा। अब जिसमें आप कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हो, ठीक है ना, उसे आप करते हो। देखो मैं तो बोलूंगा ऑप्शन मेथड से जाओ, लेकिन अगर कहीं आप ऑप्शन मेथड से नहीं जा पा रहे हो तो फिर आपको थोड़ी तेजी करना होगा, कम से कम एलसीएम को इस मेथड से करना सीख लो, तो फिर क्या होगा कि आप वक्त को पकड़ के इन सवालों को करके निकल जाएंगे। एक चीज जान लेंगे, सवाल करना बड़ी बात नहीं होती है ऐसे एग्जाम में, सवाल को वक्त पे करना वो सबसे बड़ी बात होती है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 305 वो कौन सी छोटी सी छोटी संख्या, 305 में से वो कौन सी छोटी सी छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वो 4, 5, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। तो हमें तो ये तो समझ में आता है कि यार पहले तो ये एलसीएम तो करना होगा मुझे। तो देखो ये छोटी सी संख्या है, तो हम एलसीएम मेथड में सीधा बोलते हैं ना, टेबल का पहाड़ा पढ़ो, 15 × 15, 15 × 15 में 4 भागा नहीं जाएगा, 15 × 2 = 30, 4 भागा नहीं जाएगा, 15 × 3 = 45, 4 भागा नहीं जाएगा, 15 × 4 = 60, हाँ 60 जो है उसमें 4 × 15 = 60 ये भी हो जाएगा, 12 × 5 = 60 ये भी कटेगा, 10 × 6 = 60 ये भी कटेगा,
15 जो के 60 ये भी कटेगा। तो हमने फटाक से पकड़ लिया कि 60 जो है वो मेरी एलसीएम है, ठीक है ना। अब ये 60 मेरी एलसीएम है, लेकिन बोलता है कि भैया 350 में से घटाना है। अब 60 का कितना गुणक, देखो जो एलसीएम होता है उस वो अगर इन संख्याओं को काट रही है, ठीक है ना, तो इसके गुणक मतलब 120 240 सारी संख्या को ये 4, 5, 10, 15 कर देंगे, लेकिन मेरे को तो 300 जाना है, तो 60 को हमने 500 गुना कर दिया तो 300 हुआ। और बोलता है कि हर केस में दो अवशेष बचेगा, तो 300 में हमने दो जोड़ दिया तो 302 हो गया। अब अगर 302 मेरी संख्या मेरे को मिलना है, क्या कि 302 एक ऐसी संख्या है 300 के बाद से, जिसको अगर मैं इन संख्याओं से भाग देता हूं तो हर हालत में मेरे को दो जो है वो अवशेष मिलता है। लेकिन मुझे क्या पूछा गया है कि हम मैं कितना घटा दूं 305 से कि ये 302 आ जाए। तो सीधी सी बात है, 305 से अगर मैं 3 घटा देता हूं तो 302 मिलता है, और 302 वो संख्या है जिसे अगर मैं इन संख्याओं से भाग दूंगा तो अवशेष में 2 बचेगा। तीसरे के लिए आंसर क्या हुआ भैया, आंसर 3 हुआ, ये आंसर हुआ, ये मैंने टिक मारा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को करते हैं। बोलता है कि 200 और 1000 के बीच में कितनी संख्या है जो 4, 5, 6, 8 और 12 से पूर्णतया विभाजित हो। देखो भैया, मैं तो सीधा सीधी अगर मुझे करना होता तो मैं 12 का पहाड़ा पढ़ता और तब तक पढ़ता रहता जब तक सारा कट नहीं जाए। तो चलिए हम पढ़ते हैं, 12 एकम 12, 5 से नहीं कटेगा। तो देखो जैसे हम 5 देखे ना, तो हम 12 25 60 कर लिया, तो 60 एकम 60, तो 8 से नहीं कटेगा, 8 कभी भी 60 को काटने भाग नहीं दे सकते हो। 60 दूनी 120 किया मैंने। अब 60 दूनी 120 में देखो 8 15 120 कट जाएगा, 4 भी काटेगा, 5 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, 12 12 10 120, तो फिर हम जान लेते हैं एलसीएम 120 होगा। ये देखो ये जो है ये हमें इसलिए क्या पहाड़ा पर के करने का कि आपको इतना जगह करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना, नहीं तो रेगुलर मेथड में आप देख सकते हो। लेकिन ये क्या है, कहां आप थोड़ा सा समय बचा लेते हो। अब बोलता है 200 से 1000 के बीच में कितनी ऐसी संख्या होगी। तो हमारा जो लॉस है वो देखो, हम अगर 1000 को केवल 120 से भागा देते हैं तो हमें मिलता क्या है कि 8 संख्या। अवशेष पे हम कोई ध्यान नहीं देते हैं, अवशेष क्या है हमें जानने की जरूरत नहीं है। मतलब 120 जो है 1000 के अंदर में 8 बार आता है अपने गुणक को लेके। जैसे देखो 120 आएगा, ठीक है ना, फिर 240 आएगा, ठीक है, फिर तुम्हारा 312 36 360 आएगा, फिर तुम्हारा 480 आएगा, ठीक है ना, फिर 600 आएगा, मैं चलो मैं लिख ही देता हूं, फिर 600 आएगा, 120 का है ना, 12 12 25 60, फिर 12 6 72 720 आएगा, ठीक है, और 12 8 96 मतलब 960 आएगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ओहो एक इसमें छूट गया है, वो है 840। ठीक है, क्या कि 7 12 84 840 छूट गया था। तो टोटल हम देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 है जो है ये, हम अगर 120 को 1000 से भागा देते हैं तो 8 हमें मिल जाता है, ये तो आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, बोलता है कि 200 और 1000 के बीच से, मतलब 200 से बाद वाली संख्या लेना है तो हमें 120 को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि 200 के बाद से लिया हुआ है। तो फिर हमने क्या किया, देखो इसको एक बार 200 को से हमने 120 को 120 से हमने 200 को भागा दिया तो 1 निकला, फिर 1000 से हमने 120 को निकला तो 8 हुआ। हम जानते हैं से 8 में से ये 1000 मतलब 1 से 1000 लिया गया है तो उससे हम 1 घटा दिए तो देखो 7 आया। ये 7 जो है इसका मतलब क्या हुआ कि 200 से 1000 के बीच में 7 ऐसे पड़ाव आएंगे
जो संख्या जो है, जब भी उन संख्याओं को को आप 4, 5, 6, 8, 12 से भागा दो, भागा लग जाएगा। देख लो आप, 240 को किसी से भी भागा दो लग जाएगा, 360 को करो, 480 को करो, 600 को करो, 720 को करो, 840 के करो, 960 को करो। तो ये जो जिस संख्या से भागा देने की बात हो रही है, ये सारा संख्या इसको काट देगा। इसके अलावे 200 से 1000 के बीच में कोई भी ऐसा संख्या आप कोशिश करो, ढूंढो, नहीं मिलेगा आपको कि जो संख्या जो है, जैसे सपोज आपने 300 ले लिया, तो फिर आपको क्या लगता है 300 सारी संख्या से कट जाएंगे? 4 काट देगा, 5 काट देगा, 6 काट देगा, 8 नहीं काट पाएगा, ठीक है ना। फिर है 3 8 24, हाँ, कहे कि 3 8 24 होगा तो 60 होगा, 60 कभी 8 से कटता नहीं है। तो नेचुरली क्या होगा कि आप इसके अलावा कोई भी संख्या लोगे वो नहीं कटेगा। तो आशा करता हूं कि ये जो आपको अभी जो छोटी संख्या का ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ कर लिया हुआ है, पहले के पार्ट वन और पार्ट टू को लेके। अगर आपने पार्ट वन आपको नहीं मिला हुआ है तो आप जानते हैं कि डिस्क्रिप्शन में अब तक के सारे जितने क्लासेस हैं उसके वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो उससे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं जानता हूं कि मैं कितना भी समझाऊं, जिनके बेसिक्स बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उनके लिए देखो, मैंने एक ऐप भी बनाया हुआ है। अगर आपने वो ऐप नहीं डाउनलोड कर पाए हैं, हर इसमें मैं पीछे लिंक देता हूं, वहां पर भी लिंक देता हूं डिस्क्रिप्शन में, तो और देते देते मैं थक गया तो भी एक सवाल आती है कि सर क्या है। तो फिर मैंने देखो यहां पे फिर से ही एक लिंक को मैंने दे दिया है। तो जिनकी प्रॉब्लम है, कृपया आप यहां से करके आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लें जो 100% फ्री है, और उसमें अंक गणित के बेसिक के एक एक करके करते जाए, तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम सारी की सारी खत्म हो जाएगी। देखेंगे कि अगर आपकी कमजोर है तो आप केवल आप ही एकमात्र इंसान हो जो खुद को हेल्प करना कर सकते हो, और नहीं तो कोई नहीं कर सकता। यह सच्ची बात है। हम इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं भैया, लेकिन इंफॉर्मेशन को लेना आपका काम है, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है और लगता है कि मैं आपके काम के आ सकता हूं, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं दबाया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसा जरूर करें। तो फिर मेरे क्लास आपको वक्त पे नोटिफिकेशन मिलेगा, और जो हर दिन का मैं एक क्लास लेता ही हूं, और जो मेरा वादा है 30 दिन के अंदर में आपको संपूर्ण गणित के सारा कुछ सिखा के आपको आगे ले जाना, वो तभी पॉसिबल होगा। तो अब मैं विदा लेता हूं। ओके देन, बाय, जय हिंद।